दोस्तों, मैं लीना सिंगोदिया, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम बनाएंगे कैर की सब्जी। कैर को हम सब्जी या अचार के लिए तैयार किस तरह से करते हैं, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि कैर हम कैसे तैयार करते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ कि हम इसे 2-3 दिन पानी में और फिर छाछ में और नमक में डाल के तैयार करते हैं। ये देखिए, आराम से बहुत ही अच्छे से ये हमारे कैर पके हुए हैं और अब हम इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी ले लेंगे, थोड़ी बड़ी, और उसमें हम ये आधा छोटी चम्मच हल्दी, लाल मिर्ची हमें थोड़ी इसमें तेज अच्छी चटपटी हम डालेंगे तो हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ दो दो छोटी चम्मच लाल मिर्ची ली है, आप अपने स्वाद अनुसार ले लें। और 225 ग्राम हमारे कैर हैं, 2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सारे मसालों को हम थोड़ा पानी डाल के और 5 मिनट के लिए भिगो के साइड में रख लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भीग जाएं। और कैर को फोड़ने के लिए हम ले लेंगे, क्योंकि कैर हमारे ये मोटे हैं, मोटे कैर अचार में छोटे कैर चाहिए होते हैं। छोटे या मीडियम आकार के कैर अगर होते हैं तो उनका अचार अच्छा बनता है। और ये सब्जी के लिए हम लिए हमने तो अचार के लिए छोटे कैर अलग निकाल के, और ये मोटे मोटे कैर हमने ले लिए। इस कैर की हम सब्जी बनाएंगे। इसे कैर भी बोलते हैं, कहीं पे टींट बोलते हैं, केरला भी बोलते हैं। इस तरह से हम इन्हें थोड़ा थोड़ा फोड़ लेंगे और फोड़ के हम इन्हें दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और फोड़ने पे जो हमारे इस तरह के जो बीज आ रहे हैं इन्हें हम निकाल देंगे, क्योंकि ये अगर ये बीज बहुत ज़्यादा सब्जी में होंगे तो खाने में बहुत ज़्यादा अजीब आएंगे, इसलिए मोटे कैर के बीज हैं तो हम फोड़ के थोड़े साइड में इन्हें निकाल देते हैं। और इसी तरह से हम सारे कैर फोड़ लेंगे। ये देखिए, सारे कैर हमने थोड़े फोड़ लिए हैं और ये कैर में जो एक्स्ट्रा बाहर बीज निकले हैं वो बीज हमने बाहर निकाल दिए हैं, इन्हें हम इस सब्जी में डालेंगे नहीं। तो आइए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस पे हमको भी कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेंगे और हम इसमें 4 टेबल स्पून तेल डाल रहे हैं। तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे सब्जी में तो हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। गैस को हम बिल्कुल कम कर लेंगे, 1/4 चम्मच हींग, 1.5 से 2 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 डेढ़ छोटी चम्मच हमने पीली सरसों राई ली है। और अब हम इसमें जो हमने मसाला भिगो के रखा है वो डाल लेंगे। गैस को हमें बिल्कुल कम रखना है नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। गैस हमने कम ही रखी हुई है और देखिए हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है। मैंने यहाँ सौंफ का पीस, हमने दरदरी कुटी हुई सौंफ ली है और दरदरी कुटी हुई ही हमने पीली सरसों ली है। और अब हम इसमें ये हमारे फोड़े हुए कैर डालेंगे। थोड़ा सा आधा टेबल स्पून हम इसमें पानी डालेंगे। गैस को हम तेज कर लेंगे थोड़ा। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है और अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट ढक करके मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ा पकने देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से कैर में एब्जॉर्ब हो जाएं। 2-3 मिनट हमने कैर को मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है और देखिए हमारे कैर ने कितना तेल छोड़ दिया है। हमने इनमें एक्स्ट्रा थोड़ा तेल ज़्यादा इसलिए डाले कि हम इन्हें आराम से 10-15 दिन तक रख करके और रोज़ सब्जी की तरह थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, सब्जी अचार की तरह। और धीरे धीरे जब ये मसाला, क्योंकि ये फोड़े हुए हैं तो जब ये मसाला सोखेंगे तो साथ में तेल भी अंदर सोख लेंगे और हमारी सब्जी बहुत ही
टेस्टी लगेगी। हमने 2-3 मिनट कैर की सब्जी को इसको पकाया है और बीच में 1-1 मिनट के बीच में हमने इसे खोल करके 2-3 बार चला भी दिया, हिला भी लिया। अगर नहीं हिलाएंगे तो हमारी कैर की सब्जी नीचे जल जाएगी और अब हम गैस बंद कर देंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार है। ये हमारी कैर की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ हम इसे खा सकते हैं, चावल के साथ, पूड़ी, नान, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ आप इन्हें खाइए। ये बहुत ही अच्छी बनी है। कैर राजस्थान की ही एक फेमस और बहुत ही विरले ही मिलने वाली हमारी ये सब्जी है। आजकल तो कैर बहुत कम मिलते हैं, लोग इसे ज़्यादातर यही जानते हैं कि हम कैर का अचार के रूप में खाया जाता है। अगर हम इसे इस तरह से बना करके रोज़ खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे इसमें पिसी हुई सौंफ, पीली सरसों डाली है। आप चाहें तो इसमें दाना मेथी और कलौंजी भी डाल सकते हैं, वो भी डाल के ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।